इन लोग को देख के एकदम फील आ रहा है जैसे गांव में दादी और चाची लोग बैठ के एकदम पीढ़ा लगा के बैठ के बनाती है खाना। हमारा काउंटर तोड़ा गया मैम तीन तीन बार, किसी लीगल अधिकारी के पास ही गए थे सपोर्ट के लिए, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, और उन्होंने बोला ग्रेजुएशन करने के बाद जॉब करो ना, क्या कर रही हो ये। इन लड़कियों को जब मैंने देखा ना तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि फुटपाथ पे लड़कियां बैठ के मैगी बेच रही होंगी। हमें 6 महीने दे गए थे हमारे पेरेंट्स के साइड से, जिसमें से 4 महीना कंप्लीट हो चुका है। लोग तो हमसे ये पूछते हैं यहाँ पर आकर आपके पेरेंट्स नहीं है। मैम पेरेंट्स नहीं होंगे तभी कोई कुछ करने के लिए उतरता है क्या। सो नाउ हमारी मैगी रेडी है बिल्कुल गर्मा गर्म, बिल्कुल अपनी मिट्टी, अपनी भारत की मिट्टी में जाने के लिए। नमस्कार, मैं हूँ पल्लवी राय और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। अभी हम दिल्ली में हैं और जब किसी लड़की को कुछ करते देखते हैं तो बहुत सुकून मिलता है। इसलिए नहीं सुकून मिलता है कि लड़कियां पैसा कमा रही हैं, बल्कि सुकून इसलिए मिलता है कि लड़कियां अपने दम पर कुछ करने की कोशिश कर रही हैं। नहीं तो समाज ने एक टैग बना ही दिया है कि लड़की पहले पिता पर निर्भर रहे और बाद में पति पर निर्भर हो जाए। तो हम आत्मनिर्भर बेटियों से मिलने आए हैं, ये दिल्ली में खड़े हैं और दिल्ली की 3 आत्मनिर्भर बेटी हमारे साथ हैं। मैं सही बोल रही हूँ, आत्मनिर्भर हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, शुरुआत इसी लिए है। पैसा नहीं दे रहे हैं क्या? नो मैम, ऐसा नहीं है कि परिवार वाले पैसा नहीं दे रहे, बट एक होता है ना कि लड़कियों को भी खड़ा होना चाहिए, उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए। कब तक वो सिर्फ पहले सबसे पहले पापा पर, देन पति पर, देन बेटे पर निर्भर हो जाती हैं, तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि उन पे निर्भर रहती हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ उन पे निर्भर रहती हैं, ये प्रॉब्लम है। नाम पूछ लेती हूँ आप लोगों का। बिल्कुल, सीमा एंड शिवानी प्राची। सीमा, शिवानी, प्राची, ये 3 लड़कियां हमारे साथ हैं। और पता है सबसे खूबसूरत बात क्या लगी? जब मैंने इनसे ऑफ कैमरा बात की तो मुझे पता चला कि इनके पास एक कार्डबोर्ड थी जो अब नहीं है, और इन लोगों को देख के एकदम, मैं बुरा मत मानिएगा प्लीज़, इन लोगों को देख के एकदम फील आ रहा है जैसे गांव में दादी और चाची लोग बैठ के एकदम पीढ़ा लगा के बैठ के बनाती हैं खाना। हाँ, वैसा है। लेकिन ये मोटिवेट करने वाली स्टोरी है कि कार्डबोर्ड एक समय था, अब नहीं है, तब भी आप लोग अपना स्टार्टअप नहीं बंद कर रही। भैया आप लोग तो महान हैं। क्या मतलब बुरा नहीं लगता कभी कि मतलब इतना लोग नहीं चाह रहे हैं, या फिर हमारा प्रशासन नहीं चाह रहा है, या जो भी है, मतलब एक कार्डबोर्ड थी अब नहीं है, तो ऐसा नहीं लगता कि जब सब नहीं चाह रहे हैं तो मैं अकेले कितने दिन तक मेहनत? नो मैम, ऐसा नहीं लगता है। एक्चुअली हमें अंदर से इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेट होते हैं हम लोग कि यार अब तो और करना है, अब तो और अच्छा करके दिखाना है। कि कब तक लोग पीछे रहेंगे, कब तक लोगों की वजह से अपने आप को पीछे कर देंगे कि यार बैक कर लेते हैं। हमें बैक नहीं होना है। एक्चुअली ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं बोलूंगी इसको, ये लोगों की प्रॉब्लम है कि वो देख नहीं पा रहे हैं हमें, खुश नहीं देख पा रहे हैं, या फिर हमें सक्सेस होते हुए नहीं देख पा रहे हैं, ये लोगों की प्रॉब्लम है। कभी कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि ऐसा लगा हो कि, जैसे आप लोग बता रहे हैं कि आप लोग आज़ाद भारत में रहती हैं, लेकिन इसी आज़ाद भारत में लड़कियों को हमेशा कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी कदम पर रोकने की कोशिश हो जाती है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, हमारा जो स्ट्रगल रहा है, मैं आ जाती हूँ पॉइंट पे कि क्या क्या हुआ। आप जो बोल रहे हो कि गर्ल्स को प्रॉब्लम, कि हम आज़ाद भारत की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं ना कि बेटियाँ एक, क्या कहते हैं, एक वरदान होती हैं, बट समथिंग जो हमने फील किया कि लाइक अभिशाप टाइप भी चीज़ें, कि मतलब ऐसा नहीं है कि सपोर्ट कर रहे हैं गर्ल्स को सब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे जब हम आए तो लाइक हमारे मतलब आसपास के लोग कॉम्पिटिटर्स, हमारा काउंटर तोड़ा गया मैम तीन तीन बार, इतनी बुरी तरीके से मतलब चीज़ें हुई, प्रॉब्लम्स आए जा रही हैं इतनी सारी, बट स्टिल हमारे में यह है कि हमें करना ही है कुछ भी, हम प्रॉब्लम्स और डबल इंस्पायर हो रहे हैं कि अब तो करना ही है, ये चीज़ प्रूव करना है। मतलब एक बार आपने मुझे झुका दिया, ठीक है, अब उससे और ज़्यादा मजबूत होके और ज़्यादा मेहनत। मैम सभी ने ये वाली स्टोरी पढ़ी होगी 12वीं क्लास में, सूरदास की झोपड़ी। मैम उसमें सूरदास जी बोलते हैं कि मेरा झोपड़ी जितनी बार जलाया जाएगा मैं उतनी बार उठाऊंगा। तो ऐसे ही हम भी हैं, हमने वो पढ़ा ही नहीं था, सिर्फ अप्लाई भी करेंगे, हमें जितनी बार तोड़ा जाएगा हम उतनी बार उठेंगे। 3 बार कार्डबोर्ड तोड़ा गया, पैसा कहाँ से लाती हैं भाई फिर दोबारा कार्डबोर्ड बनाने? मैम अभी कहाँ कार्डबोर्ड तो है ही नहीं, हमने अपने एक वीडियो में बोला गया था कि अगर हमारा कार्ड भी टूट जाएगा तो हम ईंटों पे स्टार्ट करेंगे, मतलब हिम्मत नहीं हार रहे हैं चाहे कैसी भी सिचुएशन है, तो आज हम ईंटों पर ही हैं। तो ये सारी चीज़ें घर वाले नहीं बोलते हैं, मतलब किसी तरह कार्डबोर्ड पे काम करने के लिए ठीक है मान गए, अब फिर ये जो पीड़ा वीड़ा लगा लिया आप लोगों ने ईंटे पे बेच। मैम एक्चुअली देखिए शुरुआत हमारी कुछ ऐसे हुई कि अगर मैं शुरुआत की बात करूँ, ग्रेजुएशन जस्ट हम तीनों ही ग्रेजुएटेड हैं, मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर से ग्रेजुएशन किया है और इन्होंने भी ग्रेजुएशन कर लिया बीए प्रोग्राम से। आप भी ग्रेजुएट हैं? हाँ जी, ये ग्रेजुएट मैगी वाली। हाँ जी हम कह सकते हो, बट ये ग्रेजुएट मैगी वाली नहीं बोल सकते, ओडीएस मैगी स्टॉल है मैम।
ओडीएस मैम, ओडीएस की मीनिंग है ओम ध्रुव स्टार, एंड ओम एक जैसे ही पता है सबको एक यूनिवर्सल साउंड है, एंड ध्रुव पोल स्टार सबसे ज़्यादा नियरेस्ट एंड सबसे ज़्यादा शाइनफुल तारा है, एंड स्टार से हम अपने कस्टमर को डिनोट करते हैं, हमारे लिए हर एक पर्टिकुलर कस्टमर स्टार है। एंड मैम ओडीएस का विज़न आज हमने शुरुआत छोटे से किया बट इसका विज़न बहुत बड़ा है। मतलब मुझे नहीं पता कि ये जो सोच रही हैं लड़कियाँ वो कर पाएंगी या नहीं, पर मुझे एक चीज़ ज़रूर पता है वो ये कि ये लड़कियाँ मोटिवेट बहुत हैं। हम लोग ना जिस समाज में रहते हैं उस समाज में एक चीज़ हमें बताई जाती है कि कम से कम इतना होना चाहिए उसके बाद तुम अपने काम को शुरू करना। इन लड़कियों को जब मैंने देखा ना तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि फुटपाथ पे लड़कियां बैठ के मैगी बेच रही होंगी और इतना मोटिवेट होंगी। गजब है भाई आप लोग तो। मतलब लोग कहते हैं कि लड़कियाँ आजकल अपना हक छीनने में विश्वास रखती हैं। मतलब अगर आपको आपका हक नहीं मिल रहा है तो आप उसके लिए आवाज़ उठाएंगी, लड़ेंगी, उसको छीनेंगी, लेकिन आप लोगों को देख के लग रहा है कि आप लोग डटी हुई हैं। मिला नहीं है लेकिन तब भी डटी हुई हैं कि चाहिए तो चाहिए। बिल्कुल मैम, किस तरीके की दिक्कतें आती हैं आप लोगों को मैम यहाँ पे? लाइक मैंने बताया कि काउंटर वगैरह भी टूट गया। हम गवर्नमेंट से हमारी गवर्नमेंट स्टार्टअप को इतना सपोर्ट कर रही है, दिल्ली गवर्नमेंट एंड ये क्या कहते हैं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं सब चीज़ों को, बट यहाँ पे मतलब स्टार्टअप बोल दिया गया है कि स्टार्टअप करो स्टार्टअप करो, बट कहाँ करे यूथ स्टार्टअप? अगर कोई मिडिल क्लास बंदा स्टार्ट करता है तो उसके पास इतने पैसे नहीं, अगर पैसे होंगे ही तो वो रेस्टोरेंट से स्टार्ट करेगा, कोई दुकान लेगा, वो रोड साइड की उतरेगा। एंड मैम प्रॉब्लम तो यही है ना, अगर आपने ये योजना या कुछ चीज़ें चलाई हैं तो इनको इन पे एक्चुअल में वर्क किया जाए। आप बोल ही क्यों रहे हो कि स्टार्टअप करो, कहाँ करें स्टार्टअप? प्रॉब्लम या एंड जाके अब हम इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही है, हम हेल्प के लिए इतना वो कर रहे हैं बट रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं लोग। कितना पैसा लगा आप लोगों को ये स्टार्ट करने में? मैम पैसे तो खैर बहुत मुश्किलों से कलेक्ट किए हम लोगों ने। पहले जॉब की हम लोग, मैं बताना चाहूँगी कि हम लोग डिजिटल क्रिएटर्स हैं, हम लोगों ने जॉब की हुई है, तो जॉब करने के बाद में हम लोगों ने थोड़े थोड़े पैसे कलेक्ट किए। देन उसके बाद जो छोटा सा सेटअप बना, हमारा जो काउंटर था वो ऑलरेडी सेकेंड हैंड था, तो सेकेंड हैंड काउंटर पे हमने स्टार्टअप किया। मैम दिक्कतें बहुत सारी आ रही हैं बट डटे हुए हैं, नहीं हार नहीं मानना, करना है, तो ये वाली चीज़ है। तो लोग कैसा रिएक्शन लेके जाते हैं? मतलब मैं मानती हूँ कि समाज में सब बुरे नहीं हैं, बहुत पॉजिटिव लोग भी हैं, बहुत ऐसे ही अंकल दादी या कोई ऐसा मिलता है जो हमें एक ही पल में इतना मोटिवेट करके जाता है कि मतलब लगता है कि आगे पीछे नहीं आना है, पर बहुत ऐसे लोग भी होते हैं जो यार इन देखो लड़कियों को कुछ उखाड़ नहीं पाओगे तुम, हो भैया जितना करना है कर भाई, ऐसा कमेंट है। आज ही हम जहाँ पर सपोर्ट के लिए गए थे, हम किसी लीगल अधिकारी के पास ही गए थे सपोर्ट के लिए, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, और उन्होंने बोला ग्रेजुएशन करने के बाद जॉब करो ना, क्या कर रही हो ये, और इसके लिए तुम लीगल परमिशन मांगने आई हो, क्या कर रही हो, जाओ जॉब करो, ऐसे बोल। इस टाइप की बात करते हैं क्या? मतलब ये चीज़ बोली नहीं जाती कि मतलब कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, तो मतलब हमारा विजन, उनकी सोच ही छोटी है तो उनको वो काम भी छोटा लगेगा, और मतलब इतनी बड़ी बड़ी लोग पोस्ट पे बैठ के अगर ये चीज़ बोलते हैं कि ये क्या कर रहे हो, तो मतलब एक्चुअल में क्या है वो उनकी माइंड में। अगर ऐसे अपने जो जवाब है ना वो अपनी सक्सेस से देना चाहते हैं हर इंसान को, हमें बोल कर नहीं देना, आपको चुप कर आकर नहीं देना, हम चमकेंगे ना तो आपको हमारी चमक से हमारी रोशनी से आपको अपने जवाब सारे मिल जाएंगे। वाली चीज है कि मैम जैसे आज चाय बेचने वाला मोदी आज पूरा देश चला रहा है तो हमें क्यों छोटा समझा जा रहा है? हमने छोटी से शुरुआत की क्योंकि अभी फाइनेंशियली मैम हमारे पास सच में अभी नहीं है, और मैं सबसे ज़्यादा मतलब हम तीनों ही जनता से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। एक्चुअली बात यह है मैम कि हमें 6 महीने दे गए थे हमारे पेरेंट्स के साइड से, जिसमें से 4 महीना कंप्लीट हो चुका है। 4 महीने पुरानी दुकान है जी, चार नहीं रह गई अब। हाँ जी, हमारा छोटा सा रेस्टोरेंट है हम तो ये कहेंगे मैम, और ये हमें 4 महीना हो चुका है जिसमें से 3 बार हमारा काउंटर तोड़ा जा चुका है, और एक बार खुद एमसीडी उठाकर यहाँ से लेकर गए मैम, और हमारा काउंटर भी टूट गया है। तो अभी हम मतलब बार बार हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम बार बार काउंटर लगाएं, तो हमारे पास सिर्फ 2 महीने बचे हैं, और इस 2 महीने में अगर हमने कुछ नहीं किया है तो डायरेक्ट हमारी फैमिली कहेगी अब निकलो वहाँ से। तो मैम एक जो आपको पता है बींग अ लेडी ग्रेजुएशन के बाद में एक लेडी पर शादी का प्रेशर होता है, और भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, गरीब हैं तो लोग बोल रहे जॉब से कुछ पैसा तो आ रहा है, वहाँ से क्या आ रहा है मैम, ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो हम जनता से हम तीनों प्लीज़ हम आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें जैसे भी चाहते हैं आप हमें हेल्प कीजिए, आप हमें हमारे सोशल मीडिया पर सोशल पेज पर हेल्प कर सकते हैं, हमें फॉलो करके। पेज है कोई? हाँ जी पूरा हमारा पेज ये है, दिखाओ आप एक बार दिखा दीजिए,
और मेरी भी एक रिक्वेस्ट है भाई, अगर आप लोग कभी दिल्ली आते हैं, हालांकि दिल्ली लोग बहुत आते हैं, लोगों को पसंद आता है यहाँ का कल्चर, यहाँ का खाना, तो यहाँ पर भी आइए, इन लड़कियों को भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, इनको ज़रूरत है, इसलिए नहीं कि पैसे की ज़रूरत है, इसलिए क्योंकि ये अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं। बिल्कुल, हमें आगे बढ़ना है मैम, और हम जनता से यही सपोर्ट मांगना चाहते हैं, प्लीज़ प्लीज़ जनता, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो और अगर आपको हम पर बिलीव है, हम अपने भारत को आगे लेकर जाएंगे आपके सपोर्ट से, पर हमारे पास सिर्फ कुछ लिमिटेड टाइम है, इस वजह से हमें आपसे फाइनेंशियली सपोर्ट की नीड है, अगर आप सब मिलके थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन करते हैं हमारे लिए, हेल्प हमारे लिए बहुत बड़ी होगी, तो प्लीज़ वो बूंद बूंद से सागर भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो आपकी छोटी सी हेल्प हमारे लिए बहुत बड़ी होगी, सो प्लीज़ गाइज प्लीज़ आप हमें जितना हेल्प कर सकते हैं, आप जितना भी कर सकते हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा होगा, सो भी हेल्प हमारे लिए बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि जब एक एक मिलके वो एक कुछ भी थोड़ा सा भी करता है ना मैम, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और हम 2 महीने में सच में एक छोटा सा ODS का आउटलेट लेकर आएंगे, जो आप सबके नाम का होगा, आप सब वहां पर इनवाइटेड होंगे, प्लीज गाइस हमें सपोर्ट कीजिए प्लीज। आप लोग एक बार बोल के बताइए किस नाम से। मैम ओम ध्रुव स्टार 050, ये इंस्टा आईडी है हमारी, एंड ओम ध्रुव स्टार से हमारे बाकी पेजेस हैं, यूट्यूब पर भी है और फेसबुक पर भी है, वीडियो वगैरह बनाते हैं। हाँ जी मैम, वहाँ पर जाकर वो देख सकते हैं हम कैसे करते हैं, हमारे कस्टमर्स का रिव्यू देकर जाते हैं, वो सब कुछ वहाँ पर देख सकते हैं, हमारे स्टॉल की उस पर अपडेट्स होती है मैम, जो भी हम लाइक मतलब कस्टमर आ रहा है रिव्यू कैसा दे रहे हैं, तो उसकी हम शॉर्ट क्लिप बना के वहाँ पर अपलोड करते हैं। लड़कियाँ जो हैं जब वो कुछ करने के लिए आगे बढ़ती हैं तो तमाम तरीके की दिक्कतें आती हैं, पर ये लड़कियाँ इस फुटपाथ पर बैठकर मैगी बेच रही हैं, इससे बड़ा मोटिवेशन मुझे लगता है और कुछ नहीं हो सकता। वीडियोस आप देखते रहते हैं मोटिवेट होने के लिए, किताबें आप पढ़ते रहते हैं, लेकिन असल में ये जो 3 लड़कियाँ हैं उनका मेहनत आप समझिए, मुझे नहीं पता कि आप वो चीज़ें ऑन कैमरा बता पाएंगे या नहीं, लेकिन मैं फील कर रही हूँ कि किस तरीके की दिक्कतें आती होंगी। अगल बगल चलते लोग ना मुस्कुरा कर निकल देते हैं, ये देखो यही रह गया इन लड़कियों को, और गलती से इन लड़कियों ने ग्रेजुएशन भी किया हुआ है, तो अगल बगल के जो पड़ोसी होते होंगे वो कहते होंगे पता नहीं क्या ही पढ़ ली है ग्रेजुएशन करने के बाद, फुटपाथ पर मैगी बेचनी पड़ रही है। तो इस चीज़ का जवाब ये सिर्फ अपने काम से देना चाहती हैं, और इसको सपोर्ट सिर्फ आप कर सकते हैं। इनका एक बार और सोशल मीडिया साइड आप दिखा दीजिए, यहाँ पर जाइए, इन बच्चों को थोड़ा सपोर्ट करिए, मुझे लगता है कि जब आप सपोर्ट करेंगे तभी ये बच्चियाँ कुछ कर पाएंगी। ये बहुत महंगा पड़ता होगा मेरे। बिल्कुल मैम बिल्कुल, बहुत प्लास्टिक वाले में क्यों नहीं देती मुझे। एक्चुअली मैम अभी थोड़ा सा बताते हैं, शिवानी बताएगी हमने शुरुआत कैसे की इसकी। मैम एक्चुअली ये था कि हमें कुछ न्यू करना था, तो न्यू में मैम आपने देखा होगा जो भी मैगी वगैरह है नॉर्मली हर जगह पर आपको डिस्पोजल में मिलेगी, पेपर प्लेट में मिलेगी, या तो प्लास्टिक का या कंटेनर टाइप में मिलेगी, बट हमें मिट्टी का इसलिए हमने स्टार्ट किया क्योंकि मिट्टी को यूज़ करने के फ़ायदे बहुत हैं। एक तो वो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, आपने देखा होगा कि मतलब सुना होगा कि पहले के जो हमारे बुजुर्ग थे वो मिट्टी के बर्तनों में बनाया करते थे, खाया करते थे, और कितने ज़्यादा हष्टपुष्ट रहा करते थे, पहले बीमारियाँ नहीं होती थी क्योंकि इतनी सारी चीज़ें नहीं होती थी। वहीं पर मैम केमिकल जैसी चीज़ें रिलीज होती हैं अगर आप किसी कंटेनर जैसी चीज़ में कुछ खाते हैं, वहीं मिट्टी सेफ है। साथ में मैम ये हस्तकला को भी प्रोत्साहन दे रही है कि हस्तकला जो लुप्त होती जा रही है तो उसको कैसे बढ़ाया जाए। तो जब कोई स्टार्टअप करे और मिट्टी की चीज़ से करे तो उनको इनडायरेक्टली क्या जॉब क्रिएट हो रही है, उनको सपोर्ट मिल रहा है, तो ये वाली चीज़ है। एंड मिट्टी मैम कुछ न्यू कॉन्सेप्ट लाना था, तो मुझे लगता है ये बहुत महंगा पड़ जा रहा होगा आप लोगों को। जी ये देखिए हमारा कुल्लड़ बहुत प्यारा सा हाइजीन सा, आप इसमें अगर कुछ खाते हैं लिक्विड जो भी इसमें पड़ता है इतनी सौंधी सी खुशबू आती है कि बस मजा ही आ जाता है, खाने हो जाता है मैम। बिल्कुल मिट्टी के बर्तन में आप कुछ भी खाएंगे ना वो डबल टेस्टी लगेगा और दिल से निकलेगा वाह क्या चीज है। इसलिए हम वैल्यू प्लस बेनिफिट लाना चाहते हैं जिसमें हम बहुत सारा प्यार इंडिया का ODS को और ODS का इंडिया को देना चाहते हैं। मेरी प्रार्थना रहेगी भगवान से कि आप लोगों के सपने ज़रूर पूरे हों, मैं चाहती हूँ कि आप जैसी लड़कियाँ आगे निकलें और अपना एक स्पेस बनाएं समाज में, ये बताएं कि लड़कियाँ सब कुछ खैरात में मिला हुआ नहीं लेती हैं, लड़कियाँ अपने दम पे साबित करती हैं, जैसे आप लोग अभी मेहनत करके साबित कर रही हैं कि मुझे खैरात में नहीं चाहिए, हम मेहनत करके कमाएंगे। बिल्कुल हमने फाइनेंशियली हेल्प के लिए भी इसीलिए मैम बोला है बिकॉज हमारे पास टाइम कम है, अदरवाइज टाइम हमारे पास होता बहुत अच्छा तो शायद ही हमें प्रेशर डालते हैं 4 महीना हो गया। बिल्कुल मैम उनका कहना होता है टाइम हो रहा है,
और हमें ये होता है कि नहीं यहाँ तक आ चुके हैं, इतने लोगों के मोटिवेशन बन चुके हैं, अब इसको आगे ले जाना है। तो हमारे पास सिर्फ दो वाले 4 महीना हो गया बस। बिल्कुल मैम, डायरेक्टली बोलते हैं कि बहुत हो गया तुम्हारा, एंड अभी जो हैपन हुआ है MCD उठा कर ले गई काउंटर, उसके बाद में लोग कहते हैं कि हो गया तुम्हारा, कर लिया, अब आ जाओ घर। मैम पड़ोसी घर वालों को बोलते हैं ग्रेजुएशन करवाने के बाद मैगी बिछवानी थी अपनी लड़कियों से, सब सिर्फ छोटा देख रहे। मैम छोटे को देखें, होंगे ना कि इतना कमाई नहीं हो पा रहा है क्या कि लड़की से लड़की। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, लोग तो हमसे ये पूछते हैं यहाँ पर आकर आपके पेरेंट्स नहीं है। मैम पेरेंट्स नहीं होंगे तभी कोई कुछ करने के लिए उतरता है क्या? और बात रही छोटी की ना मैम, तो जो बाटा सबसे बड़ी कंपनी है वो जूता ही बनाती है। कैफे खुलेगा, एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खुलेगा, तो ये लड़कियां याद करेंगी कि एक समय ऐसा था जब ये लड़कियां ऐसे फुटपाथ पर बैठकर बेचा करती थी और लोग नजरअंदाज करके चले जाते थे। आज लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये इन लड़कियों को देख कर ना, मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या बोलूँ। कभी कभी कुछ लोग हमारी लाइफ में मिल जाते हैं ऐसे ही किसी मोड़ पर, जिनको देख कर समझ में नहीं आता कि जो आपने पढ़ा है उसमें से कौन सा शब्द आप निकाल के इन लड़कियों के बारे में बोलेंगे। बस मुझे इतना पता है कि लड़कियाँ कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रही हैं और समाज को ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि हम हैं और कुछ प्रूफ करना, हम करेंगे और आप हमें देखेंगे, क्योंकि आप सबका प्यार और आप सबका सपोर्ट हमें आगे ले जाएगा। मैम अभी बहुत सारी जनताएं दूर दूर से लोग हमारी मैगी खाने आ रहे हैं, एंड अगर मैं अपनी मैगी की बात करूं तो बना के ही बताएंगे। हमें भी खाना है, वीडियो में हम आपको उसका रिव्यू देंगे कि कैसा रहा। पर एक मेरा छोटा रिक्वेस्ट है कि जो लोग दिल्ली आते हैं वो यहाँ पर जरूर आएँ, लॉ फैकेट्री के पास ये लड़कियाँ लगाती हैं अपना मैगी, यहाँ आइए। और इसलिए आइए क्योंकि ये लड़कियाँ देखिए बड़े मेहनत से काम कर रही हैं, ऐसे फुटपाथ पर मैगी लगा रही हैं। अगर आप इनके दुकान पर आते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं, तो ये लड़कियाँ अपने सपनों को पूरा कर सकेंगी जो ये सपना जीना चाहती हैं। धन्यवाद। तो और हम बनाने जा रहे हैं मिक्स वेज, ओके, एंड ये है हमारा ODS का मसाला जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आपको ये टेस्ट पूरी इंडिया में नहीं मिलेगा, सीमा ही कह रही है ये बात। एक्चुअली ये हमारा एक्सपेरिमेंटेड मसाला है, सीक्रेट मसाला है, आप मैजिक मसाला है, मतलब मैगी में आपको सब मिल जाएगा बट ये ODS का मसाला कहीं पर भी नहीं मिलेगा। सो गाइज हमारे मसाले का टेस्ट लेने के लिए प्लीज़ आइए और खाइए। एंड ये आ गया हमारा सूरजचंदा, कैरेट आ गया, एंड मटर मैम यहाँ पर कोई यूज़ नहीं करता बिकॉज बहुत महंगा पड़ता है, बट जैसा कि मैंने आपको बताया हम वैल्यू प्लस बेनिफिट कमाना चाहते हैं, सो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल कोशिश करते हैं कि उनको अच्छा जाए। चाह रहे मसाला, सो हमारा ODS मसाला ऑलरेडी पड़ चुका था, अब आ गया हमारा मैगी मसाला। सो नाउ हमारी मैगी रेडी है बिल्कुल गर्मा गर्म, बिल्कुल अपनी मिट्टी, अपनी भारत की मिट्टी में जाने के लिए। और हम चाहते हैं भारत की मिट्टी का स्वाद हम बिल्कुल नॉट ओनली इन इंडिया, इवन होल ओवर द वर्ल्ड लोगों के होठों तक ले जाएं। पता है जो मैगी है ना वो स्वाद में जितनी अच्छी है उससे ज़्यादा अच्छा इन लड़कियों का हौसला लग रहा है। मतलब पता नहीं कितनी परेशानी में ये हैं और पता नहीं कितनी परेशानी दिन भर झेलती होंगी, लेकिन तब भी मुस्कुराहट जो है वो इनका हौसला बताती है। मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा कि लोग इनकी मैगी खाने आएंगे या नहीं, पर मैं ज़रूर चाहती हूँ कि आप आएँ, क्योंकि ये लड़कियाँ बहुत परेशानी में भी अपनी मुस्कुराहट के साथ काम कर रही हैं। देखिए बिना कार्डबोर्ड बिना किसी सुविधाओं के लड़कियाँ लगातार मेहनत कर रही हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनके एक सपने हैं, उनको ये जीना चाहती हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन लड़कियों का हौसला बने, उम्मीद बने, तो यहाँ ज़रूर आइएगा इन लड़कियों की मैगी को खाकर। आप भी अपना रिव्यू जो है इनके सोशल मीडिया साइट पर डलवा सकते हैं। अगर आपको इनकी मैगी अच्छी लगी और आपने अच्छी रिव्यू दी तो ये पक्का अपने सोशल मीडिया साइट पर डाल देंगे। मैम प्लीज़ 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 सभी अधिकारियों से, सरकार से, भारत सरकार, दिल्ली सरकार सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो स्टार्टअप लेकर आए हैं सिर्फ स्टार्टअप जुबान पे मत लेकर आइए, सिर्फ उसकी योजना मत निकालिए। आप कहते हैं स्टार्टअप कीजिए स्टार्टअप कीजिए स्टार्टअप कीजिए, अगर एक आदमी को स्टार्टअप करना होगा तो वो रोड पे उतरेगा ना सर। मतलब एक आम आदमी के लिए आपने मतलब एक सिंपल सा प्रोसीजर लेकर आइए ना, जिससे वो इंसान उस सिंपल से प्रोसीजर को फॉलो करके अपना स्टार्टअप कर सके। सर बहुत सारे मीडिएटर हैं, करप्शन है, किसका किसका पार्ट बनेगा एक आम इंसान। हम चाहते हैं कि प्लीज़
जनता या अधिकारी जितने भी हैं और दिल्ली सरकार, भारत सरकार, प्लीज आप एक सिंपल सा प्रोसीजर लेकर आइए जिसमें आम जनता अपना स्टार्टअप कर सके, वो करप्शन का पार्ट ना बने, स्पेशली वो जैसे चाहे वैसे, मतलब कम वक्त होता है एक यूथ के पास में, तो वो अपने कम वक्त को सही जगह लगा पाए, ऐसा प्रोसीजर लाया जाए, एक सिंपल सा प्रोसीजर जिसमें हर इंसान अपना कंट्रीब्यूट कर पाए। प्लीज़ जो भी हमारी हेल्प कर सकते हैं, हम तीनों ही आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी हेल्प कीजिए, वी नीड सपोर्ट। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हम बोलना चाहेंगे कि हमारी टैगलाइन है, आइए खाइए अच्छा लगे तो औरों को भी लाइए।